का, जहां पर वो अर्ध नारी हैं और अर्ध पुरुष हैं। लेकिन इसको न्यूरोथेरेपी से कैसे जोड़ा गया और वर्तमान समय में इसे न्यूरोथेरेपी क्यों कहा जाता है, ये भी हम आचार्य जी रामगोपाल दीक्षित जी से समझने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, शुगर बहुत आम समस्या है और मुझे लगता है कि ये पहली स्टेज है किसी भी बीमारी की तरफ आपको ले जाने की। कैसे शुगर हो रही है और इसका समाधान क्या? 90% से भी अधिक कारण हमारे विचार हैं जो हमारे पैनक्रियाज को गड़बड़ करते हैं। मीठा खाने से नहीं होता, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चाह कर भी हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए कोई जादुई तरीका बता दीजिए ना कि सारे जो हैं वो फिट और हिट हो जाए। जब हमारा फैट मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता, इसके कारण से हमारा ये मोटापा बढ़ता है। चेहरे से पिगमेंटेशन, इसको हटाने का बेहतरीन तरीका कौन सा? और जहाँ विटामिन है, और विटामिन ही पिगमेंटेशन को ठीक करने वाली है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स भी तो उसके साथ जुड़े हैं ना, तो नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ करने का काम विटामिन करती है। तो विटामिन्स का ट्रीटमेंट कर लीजिए, आपके चेहरे की चमक ऐसे हो जाएगी। मतलब टाइम चल रहा है, बोझ भी आएंगे, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और आजकल हर दूसरा इंसान कहता है मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, ये कैसे कब होगा? हम बच्चे की स्पोर्ट्स को, बच्चे के खेल को इंक्रीज करिए, फिजिकली फिट होगा, मेंटली फिट होगा, थक जाएगा तो आप जो बताओगे उसकी समझ में आएगा। घंटों हमें मोबाइल में भी बिताने पड़ते हैं, तो जो हमारी गर्दन है उसमें एक बहुत पेन जो है वो परसिस्टेंट बन जाता है, जिसको हम माइग्रेन का नाम भी दे सकते हैं, और वो धीरे धीरे पूरी रीढ़ की हड्डी में जो पेन है वो जाता है, और मुझे लगता है कि फिर वो आपको बहुत सारी बीमारियों में जकड़ लेता होगा आने वाले समय में, उसका इलाज क्या करें वो भी। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली 24 में, और हर बार हम कुछ ऐसे एपिसोड्स लाते हैं, कुछ ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं जो आपके जीवन को उपयोगी बना देती है। आप अपने शरीर पर कितना ध्यान देते हैं? हेल्दी डाइट लेते हैं, वॉक करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप रोजाना अपने शरीर को 10 मिनट दे सकते हैं? अगर नहीं दे सकते तो आज से ही शुरू करना होगा, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इस तरफ हमें ले जा रही है कि हम सोच भी नहीं पा रहे लेकिन हम बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं आने वाले समय में। और आज एक ऐसी ही शख्सियत को हम आपसे मिलवाने लाए हैं कि शायद उनकी बात सुनकर आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। न्यूरोथेरेपी, इसका नाम आपने सुना है, शायद सुना होगा लेकिन समझा नहीं होगा। आज हम आपको वो समझाने की कोशिश करेंगे। और वैदिक काल से एक पद्धति चली आ रही है, या यूं कहें कि जो हमारे शास्त्र, हमारे वेदों ने हमें सिखाया है, आज हम उसी का पालन कर रहे हैं। सोचिए कि जो हमें इतना कुछ, इतनी रिच कल्चर हमें मिली है, हमने उसको छोड़कर जिम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्यों हम जिम पे इतने पैसे स्पेंड कर रहे हैं? क्यों हम हेडफोन्स लगा के वॉक कर रहे हैं? क्यों हम अपने घरों में जो है वो सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने मोटापे को कम करें, हम अपने शुगर को कम करें, हम अपने सर्वाइकल को कम करें? आज आपको सिर्फ 10 मिनट देने हैं इस वीडियो को, पूरा वीडियो आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि एक एक सवाल वो आपकी जिंदगी से जुड़ा होगा। तो इस वक्त मैं सबसे पहले आपको उस शख्सियत से मिलवाने की कोशिश करती हूँ, मैं इनका परिचय ऐसे कराऊंगी, ये है आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी, राष्ट्रपति भवन में मुख्य सलाहकार रहे हैं राष्ट्रपति के, साथ ही साथ आरोग्य पीठ के संस्थापक हैं, वैदिक शिक्षा को वर्तमान में आधुनिक शिक्षा में स्थापित करने वाले ऐसे महान शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली। जी, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी प्रणाम। अगर हम न्यूरोथेरेपी की बात करते हैं तो ये सारी समस्या जो है वो वेन से जुड़ी हुई है, यानी नसों से जुड़ी हुई है, नसों में जकड़न, नसों में सनसनाहट। या कई बार लोग मिलते हैं और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमारी जो शरीर है उसमें कील चुभ रही है। तो ये जो समस्या है, और आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, डिजीज, डिस ईज, और इस डिस ईज को आप कैसे कम कर सकते हैं, कैसे आप उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं, आज हर वो फॉर्मूला आपको बताना की कोशिश करेंगे आचार्य जी के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम न्यूरोथेरेपी की बात करें, शुगर खाने वालों के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको शुगर है, आपकी वाइफ आपको मीठा नहीं दे रही है, आपकी माँ आपको मीठा नहीं दे रही है, आपके बच्चे शुगर से ग्रसित ना हो जाए इसलिए आप उनको मीठा नहीं दे रहे, शुगर जो है वो होती है शुगर खाने से नहीं, किससे वो भी हम बताएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कह दूं, प्रमाणिकता से कह रही हूं कि ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप बहुत ज्यादा मीठा खाने लगे। आचार्य जी, शुगर बहुत आम समस्या है और मुझे लगता है कि ये पहली स्टेज है
किसी भी बीमारी की तरफ आपको ले जाने की, कैसे शुगर हो रही है और इसका समाधान क्या? जी दिव्या जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने मुझे पूछा। देखिए मेजदा जी, बात आपको बताता हूँ कि कभी भी मीठा खाने से शुगर नहीं होती है। लोगों में बहुत गलत ये धारणा है कि मीठा खाने से शुगर हो जाती है। अगर ऐसा ही होता मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। अच्छा। हमारी तो शुरुआत ही लड्डुओं से होती है, और बहुत बार ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो कहावत है कि लड़की की शादी हुई और उसके जो पति थे उनको वहाँ से संदेश आया कि भाई तुरंत चारपाई बिछा के रखो, वो आते ही लेटेंगे। बोले क्यों? बोले बहुत खा के आए। बोले वो कहती है, अरे ये क्या हुआ, मेरे हस्बैंड तो वहां से इतना खाते थे कि वहीं से चार पैसे उठा के यहाँ लेकर आना पड़ता था, मतलब लड्डू पेड़े ही खाते थे। अच्छा। तो भाई हम ब्रज वाले लोग, लड्डू और पेड़े खाने वाले लोग, कैसे शुगर का मामला बात करें? शुगर होती है जब हमारा पैनक्रेटिक डिस्फंक्शन हो जाता है। पैनक्रेटिक डिस्फंक्शन होता है हमारे विचारों के कारण से, या फिर हमारी लेथार्जिक जीवन शैली से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से। 90% से भी अधिक कारण हमारे विचार हैं जो हमारे पैनक्रियाज को गड़बड़ करते हैं। मीठा खाने से नहीं होता, हाँ जब हो गया फिर तो थोड़ा भी मीठा ऐसे बढ़ा देगा, और मीठा नहीं, एक छोटा बिस्किट भी आपको, एक छोटी टॉफी भी आपके शुगर को ऐसे बढ़ा देगी, आपका आधा समोसा भी शुगर बढ़ा देगा। इसीलिए शुगर मीठे खाने से नहीं होता, शुगर का कारण है तनाव, चिंता, भय, यानी मानसिक रोग है जिसने पैनक्रियाज के फंक्शन को पकड़ के खत्म कर दिया है, मतलब रेड अलर्ट कर दिया बॉडी के अंदर कि एनर्जी ज्यादा चाहिए, टेंशन हो गई इसके कारण से। इसीलिए इसको, पैनक्रियाज को ठीक करने के लिए इस मोहल्ले पर काम करना है। शुगर ऐसे भाग जाती है, और मैंने तो ऐसे अनेक सारे लोगों को देखा है कि जब मुझे कहीं प्रोमिनेंट लोगों के अंदर कुछ दिखाना था तो उनमें से मैंने पूछा किसी का शुगर 300 से ऊपर रहता है, चेक कराया 350 शुगर था। अभी केवल जो मैं आपको बताऊंगा, अभी मैंने 5 से 7 मिनट भी नहीं लगाए, जो ट्रीटमेंट दिया 100 शुगर उनका डाउन आ गया। 5 मिनट में हम आपको वो फॉर्मूला बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने शुगर लेवल को न सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, अगर शुगर लेवल है भी तो भी शायद आप शुगर फ्री हो जाएंगे। आपको शुगर फ्री की टैबलेट्स खाने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान दे लीजिए। बिल्कुल, तो इसकी टेक्निक बता दूं? बिल्कुल, बस सिंपल टेक्निक है। देखिए यहाँ इस एरिया को शांत करना बहुत जरूरी है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये ट्रीटमेंट आपने ठीक से अप्लाई कर लिया तो भाई करके देख लो, बहुत बढ़िया होगा, फायदा ही होगा। मैं कहता हूँ 90% से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिला है, अपने एक्सपीरियंस के आधार बता रहा हूँ। पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए, पैनक्रियाज में अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं, उसमें से एक हार्मोन बनता है सोमेटोस्टेटिन। हमारा अपना एक्सपीरियंस ऐसा है, अनुभव ऐसा है कि जब हम जंघाओं को, क्योंकि न्यूरोथेरेपी यानी जो अर्धनारीश्वर चिकित्सा है, ये जो है जंघाओं को ऐसे हम यहाँ अपने जंघाओं के मूल में हमने हाथों को रखा, चेयर पे बैठ गए, हल्का सा यहाँ प्रेशर डाल दिया 6 सेकंड के लिए, यहाँ बस प्रेशर डाला 6 सेकंड के बाद हाथ हटाए और फिर से दोबारा ऐसे हमने प्रेशर डाल दिया 6 सेकंड और हट गए। ये दो बार 6 सेकंड के लिए प्रेशर, अगर हम ये 6 प्रेशर दे दें ऐसे 6 राउंड कर दें तो इससे पैनक्रियाज का सोमेटोस्टेटिन हार्मोन एक्टिवेट होता है जो शुगर को डाउन करने का काम करता है। साथ ही स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है, 10 सेकंड में हो जाएगा। हाँ, ये जैसे 12 सेकंड का तो ये हो गया, 1 मिनट के बाद फिर से रिपीट करना, 1 मिनट के बाद फिर से रिपीट करना, ऐसे इसके 6 राउंड देने हैं। फिर यहाँ जो स्टर्नम है हमारा, स्टर्नम यानी हमारे जो यहाँ देखें चिन से नीचे ये गड्ढा सा यहाँ पर है इस जगह पर, और ठीक इसके पीछे जहाँ हमारा T8 वर्टेब्रा है, उस T8 वर्टेब्रा पर इस हथेली के हल्के से प्रेशर से वहां दें और यहाँ हल्का प्रेशर दें। दर्द तो होता है क्योंकि स्ट्रेस के कारण यहाँ दर्द आता है, तो ऐसे में इतना करने मात्र से शुगर का लेवल ऑन द स्पॉट डाउन हो जाता है। यानी कि दो एक्सरसाइज मुझे समझ आई, एक आपने बताया कि यहाँ पे आपको प्रेशर देना है 6 सेकंड के लिए, और इसके बाद फिर से 6 सेकंड के लिए प्रेशर देना है, ठीक है। इसके आधे से 1 मिनट के बाद अगेन ये रिपीट करना है, ठीक है। ऐसा 6 बार रिपीट करना। अच्छा, इसको आपको 6 बार करना है, और यहाँ पे जो आप प्रेशर बता रहे हैं ये एक ही बार करना है, एक ही बार। यहाँ प्रेशर 2 से 3 सेकंड के लिए जरूरी है, 10 सेकंड नहीं, पीछे 6 से 8 क्लॉकवाइज करने हैं तो वो 3 सेकंड के अंदर हो जाते हैं, फास्ट फास्ट करने ना तो 3 से 4 सेकंड में हो जाते हैं। इसको दबाकर पेन हल्का होगा, रबिंग हल्की कर दीजिए, इसके बाद ऑन द स्पॉट
व्यक्ति कूल हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और शुगर भी डाउन। तो जादूगर है, देख लीजिए, फ्री में आपको इलाज बता रहे हैं शुगर का, यानी आपको बहुत लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं और किसी के भी चक्कर में आने की कोई जरूरत नहीं है जो ये कहे कि मैं आपका शुगर कंट्रोल कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। सिर्फ आपको ये इलाज, और वो आप घर बैठ के कर सकते हैं, सिर्फ मात्र आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे और आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। और ये हम प्रमाणिकता के साथ कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात आचार्य जी आती है प्रमाणिकता। आखिर हम क्यों माने आपकी बात? मैं सोचती हूँ कि वो लोग जिनके इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, जो ट्रेंडिंग हैं, मैं तो उनकी बात मानूंगी, मैं आपकी बात क्यों? जी देखिए, प्रमाण तो आज के समय प्रमाण भारत सरकार का सर्टिफिकेट वैल्यू करता है। ये वेलनेस न्यूरोथेरेपी, जिसको हम अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी कहते हैं, आज ये भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित है। आरोग्य पीठ ने इस पर बहुत बड़ा रिसर्च करके, यानी एक नई प्रक्रिया को करके, था प्राचीन, लेकिन इस प्राचीन विज्ञान को आधुनिक विज्ञान में जो विकसित किया है, इसके लिए उसके जो भी नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड हैं, उनके करिकुलम हैं, उनके सारा सिलेबस है, ये सारा जो डेवलप करने के बाद फिर ये प्रमाणित हुआ। और साथ ही ये विश्वविद्यालय का पार्ट भी बन गया है। अच्छा, अर्धनारीश्वर चिकित्सा, आखिर ये है क्या? सुनने में तो लगता है कि बहुत मुश्किल शब्द है, हालांकि शिव जी का रूप है, आपने शिव जी का ऐसा रूप देखा होगा जहां पर वो अर्ध नारी हैं और अर्ध पुरुष हैं, लेकिन इसको न्यूरोथेरेपी से कैसे जोड़ा गया और वर्तमान समय में इसे न्यूरोथेरेपी क्यों कहा जाता है, ये भी हम आचार्य जी रामगोपाल दीक्षित जी से समझने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल दिव्या जी, देखिए अर्धनारीश्वर चिकित्सा या वेलनेस, आजकल हम इसको वेलनेस न्यूरोथेरेपी के नाम से जानते हैं, ये एक्चुअल में बहुत प्राचीन वैदिक विज्ञान है। पूरा शरीर हम जैसे देखते हैं तो आधा शरीर स्त्री आधा पुरुष है, शिव जी का चित्र हम जैसा देखते ही हैं। ये वेलनेस न्यूरोथेरेपी के रूप में या चिकित्सा के रूप में हमने कैसे जोड़ा, इसको कैसे समझें, क्योंकि इसका वैदिक ज्ञान मैं यहाँ नहीं बताना चाहूंगा, दर्शकों को ये नजर आना चाहिए कि भाई असली में क्या चीज है। तो देखिए, दो चीजें हैं जो हमारे शरीर के अंदर है, वो एक ढांचा है और एक केमिकल है। ढांचा मतलब जो हिस्सा इधर बाईं तरफ बना हुआ है, सेम हिस्सा दाईं तरफ बना हुआ है। बाजू को ले लें, पैर को ले लें, कान को ले लें, नाक को ले लें, ऐसा ढांचे के अंदर भी दो तरीके हैं, राइट और लेफ्ट। पैरालिसिस जब कभी होता है तो एक इधर होता है, या इधर होगा तो इधर हो जाएगा, ऐसा पैरालिसिस होता है। ऐसे ही अंदर केमिकल्स भी हैं, जैसे ब्लड वेसल्स दो प्रकार की है, एक एसिड, एक है जो प्योर ब्लड ले जाती है, एक दूसरी इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है। एक वेन को, एक वेन कहते हैं, एक को आर्टरी कहते हैं। ऐसे जो नर्व हैं, वो नर्व भी दो प्रकार की है, एक सेंसरी और एक मोटर है। तो अंदर भी केमिकल्स भी, तो एसिड और एल्कलाइन के रूप में दो जगह पे भाजित है। अगर इसमें सरलता से अगर मैं बोलूं तो शरीर के ढांचे और केमिकल्स को संतुलित करने वाली प्राचीन वैदिक पद्धति यह अर्धनारीश्वर है, जिसे आज के समय वेलनेस न्यूरोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं। अभी एसिड, अब मैं यहां दूसरी बात कहना चाहूंगा, हजारों डिसईज हैं, जिसको हम डिजीज बोलते हैं, हजारों डिसईज हैं, एसिडिटी डिसईज है, दर्द डिसईज है, सेंसेशन डिसईज है, अलग अलग प्रकार की हो सकती है, हजारों। तो हजारों डिसईज हमारे कुछ डिसऑर्डर्स के कारण आई, जैसे पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर है, लीवर डिसऑर्डर है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर कुछ सीमित ही है, 11 के करीब है, 11 सिस्टम है, उन्हीं के डिसऑर्डर है। तो डिसईज आई डिसऑर्डर के कारण, और डिसऑर्डर क्यों आया, तो केवल दो चीज, एसिड और एल्कलाइन, मतलब अर्धनारीश्वर के डिसबैलेंस के कारण डिसऑर्डर आया। तो हजारों डिसईज को ठीक करनी है तो सिर्फ दो चीज, अर्धनारीश्वर यानी एसिड और एल्कलाइन को बैलेंस कर लीजिए, हजारों डिसईज ठीक हो जाएंगी, डिसईज ईज में कन्वर्ट हो जाएंगी, डिसऑर्डर ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे। केवल डिसबैलेंस को बैलेंस करने की आवश्यकता है, और ये अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस थेरेपी इसी डिसबैलेंस को बैलेंस करने का एक अद्भुत तरीका। और इसमें खास बात यह है, ना इसमें कोई दवाई है, ना इसमें कोई मशीन है, ना इसका कोई साइड इफेक्ट है। इसको कोई भी कभी भी सीख सकता है, कहीं भी सीख सकता है। और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये किसी को भी कहीं भी सारी दुनिया के अंदर आराम से सीखा जा सकता है। किसी भी उम्र का व्यक्ति सीख सकता है, किसी भी स्ट्रीम का व्यक्ति, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी इसको सीख सकता है और कभी भी और कहीं भी इसके परिणाम दिखा सकता है। आरोग्य पीठ इसकी ट्रेनिंग भी देता है। अच्छा। तो ये ऐसा यूनिक साइंस है, सीख करके लोग रोजगार भी लें और अपने घर परिवार के लोगों को ठीक भी। अभी इसका जो डिग्री कोर्स है ना, यानी सेम वो पढ़ाई हम यहां पाठ्यक्रम में भी शामिल होने बिल्कुल हो चुका है, हो चुका है यूनिवर्सिटी के अंदर। आरोग्य पीठ ने यूनिवर्सिटी के अंदर भी इसका
फोर एंड हाफ यानी जो फाइव ईयर्स कोर्स बोलते हैं, जैसे BNBS है, BHMS ऐसे जो कोर्स हैं, ठीक उसी प्रकार का कोर्स करिकुलम बनाकर यूनिवर्सिटी से पास कराया और ये पहले साल के एग्जाम भी हो गए हैं। बड़ी संख्या में विद्यार्थी इसकी तरफ सीखने के लिए जा रहे हैं, नया करियर आज बच्चों को मिल रहा है। तो पूरी प्रमाणिकता के साथ ये कह रहे हैं कि देखिए गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड हैं और साथ ही साथ पाठ्यक्रम में बहुत जल्द जो है वो शामिल भी होने वाला है। अब अपने अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, मोटापा सबसे बड़ी समस्या आजकल हो गया और हम जितना आसानी से कह देते हैं ना मोटापा, हम उसको उतना ही मुश्किल हो जाता है जैसे धीरे 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 वेट बढ़ता है। और चूंकि ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चाह कर भी हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए कोई जादुई तरीका बता दीजिए ना कि सारे जो है वो फिट और हिट हो जाए। ये सब लोग पतला होना चाहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश आगे है, नहीं होना चाहिए लोगों का। मैं मजाक करता हूँ, शादी से पहले उत्तर प्रदेश आगे मध्य प्रदेश अंदर होता है, शादी के बाद उत्तर प्रदेश पीछे मध्य प्रदेश आगे हो जाता है। और उसका बड़ा कारण भोजन में आपने ढेर सारा घी रोटी सब्जी खाई, ऐसा नहीं है। और ये जो पतले हैं वो ढेर सारा कुछ खाते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जो मोटे हैं, जो मोटे आधा समोसा खा के उनको लगता है पानी पी के ही लगता है आज तो मेरा आधा किलो वजन बढ़ गया केवल पानी पी के। इसका कारण है दीदी जी, हमारा लीवर डायरेक्ट हमारे मोटे पर नियंत्रण करता है मोटापा, क्योंकि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों को लीवर देखता है। जब हमारा फैट मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता, इसके कारण से हमारा ये मोटापा बढ़ता है। ध्यान रखना, जब लीवर ठीक नहीं होगा तभी फैट डिपोजिशन अलग अलग होगी। एडिपोज टिश्यूज हैं हमारे जिनमें फैट डिपोजिट हो जाता है और इस फैट को कंज्यूम करके शरीर के उपयोगी बनाने का काम सिर्फ लीवर करता है। अच्छा, तो लीवर दोस्त है, उसको ठीक कर लो, बाकी ठीक हो जाएगा। तो लीवर को कैसे दुरुस्त करने का आज नहीं बताता, अगली बार बताऊंगा। नहीं, आज ही बताना है। बिल्कुल, चलो आज ही बता देता हूँ, फिर आप कहती हो तो कोई बात नहीं। आज देखिए शुगर के लिए तो हमने लाखों रुपए बचा दिए, अब हम आ गए हैं मोटापे पे, लेकिन ये जुड़वा भाई है, यानी कि अगर आपको मोटापा कम करना है तो लीवर। मोटापा आया है तो शुगर आएगा, मोटापा आया तो ब्लड प्रेशर आएगा। मोटापा तो बीमारियों की जननी है, बहुत सारी बीमारियां मोटापा देता है। तो सिंपल जो अर्धनारीश्वर चिकित्सा है उसके हिसाब से मोटापे को कम करने का, यानी डिसईज से डिसऑर्डर्स को बैलेंस करने का, डिसईज को ईज में करने का और डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाने का तरीका, अर्धनारीश्वर को बैलेंस करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। ये हमारा लीवर है, इस लीवर का अगर सर्कुलेशन ठीक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि सर्कुलेशन इम्बेलेंस हो रहा है इसीलिए लीवर अपने फंक्शन को ठीक से नहीं कर रहा। इसका कारण हमारी तनाव चिंता बहुत सारे होंगे, हमारा खाने का तरीका। मैं तीन चीजें कॉमन बोलता हूं, शादी के बाद ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति मोटे हो जाते हैं, ये बहुत राज की बात बता रहा हूं, हजारों पेशेंट्स के अनुभव की बात बता रहा हूं। तीन मेजर कारण है जो मोटापे का रहते हैं। एक है साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, दवाइयां खाली इसीलिए स्टेरॉइड चढ़े कुछ और चढ़ा उसके कारण व्यक्ति मोटा हो जाता है। महिलाएं हॉर्मोन्स की मेडिसिन खाती है इसलिए मोटी हो जाती है, ये एक कारण है दवाइयों का, लेकिन छोड़ दोगे तो थोड़े समय के बाद ठीक हो जाएंगे। एक दूसरा बड़ा कारण है वो है कि शादी के बाद, यानी भोजन और सेक्स में 3 घंटे से कम का अंतर होना, ये बड़ा मेजर फैक्टर है। इसलिए आपने यूथ को देखा होगा शादी से पहले लड़कियां भी मोटी हो गई, लड़के भी मोटे हो गए, उसमें बहुत बड़ा कारण ये है। देर रात को खाना खाएंगे 10:30 बजे जाके 11 बजे जाके, फिर आएंगे, फिर अगले दिन ड्यूटी पे भी जाना है तो सारी प्रक्रिया करनी है, इसीलिए वो जो आदत है उस आदत के कारण से वो मोटे होते हैं, उनका लीवर खराब हो जाता है, नंबर दो। नंबर तीन, भोजन और स्नान में या भोजन और व्यायाम में, भोजन अगर कर लिया है तो स्नान और व्यायाम ये दोनों ही 2.5 घंटे से पहले नहीं करने चाहिए। अच्छा। और ये कॉमन मैन ऐसा करता है तभी ये मोटा पाता है। चौथे कारण मेरे समझ में तो कोई है नहीं, समय कहाँ है आचार्य जी, इसीलिए तो झटपट झटपट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इसको बचने के लिए अगर मोटा आ गया है तो छोटा एक टेक्निक आपको बताता हूँ। ये हमारा लीवर है तो अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी का एक ट्रीटमेंट आपको मैं शेयर करता हूं। ये हमारी जो लेफ्ट जंगा है इसमें अपोजिट का सिद्धांत काम करता है, तो हमारी लेफ्ट में लेट करके भी ट्रीटमेंट कराने का तरीका बताऊंगा, लेकिन साथ ही अपने आप करने का तरीका बताता हूं। ये जो लेफ्ट जंगा है उसको यहां से 1, 2 और 3 तीन पार्ट पर ये हमने हिस्सा बना लिया और लेफ्ट बाजू 1, 2 और 3 ये 3 हिस्से इसको बना लिए। अब बाजू का पहला हिस्सा जंघा के पहला हिस्सा पर ऐसे रख दिया, सिंपल ऐसे रख दिया, प्रेशर नहीं डाला। अब ये राइट हैंड लीजिए और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर ऐसे, केवल हाथ का प्रेशर डालना है। ये बाजू रिलैक्स है, जंघा रिलैक्स है, ये ऐसे नहीं ऐसे रखना है, थोड़ा इनसाइड इनसाइड। तो यहां प्रेशर डाला और रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दिया 6 सेकंड के लिए।
इसके बाद मिडिल पर हाथ रखा और मिडिल ही जंगा पर रखा और यहाँ प्रेशर डाल दिया। ये लीवर को एक्टिवेट करने का तरीका है। अच्छा, इससे बुखार भी भाग जाता है, बहुत कुछ होता है इससे। बुखार तो जाने बिल्कुल। और जंगा, तीसरा पॉइंट नीचे ये और यहाँ जंगा पर हमने ऐसे रखा। ये जो वन सीक्वेंस किया है, एक एक मिनट पर इसको 6 बार रिपीट कर दो और दिन में 3 से 4 बार अगर इसको हम करेंगे तो उपयोगी है। इसके साथ दूसरा काम और करना है, ये हमारा लीवर है, ये लीवर बड़ा प्यारा है, इसको ऐसे छूने से ही बात मान जाता है, इसको वजह से डांटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ ऐसे हमने रविंग करी 6 बार, 1 2 3 4 5 6 सर्कुलेशन, 1 2 3 4 5 6 और पीठ की ओर भी 1 2 3 4 5 6। अच्छा, बस फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और नीचे पूरा लीवर बड़ा एरिया में है, और हल्का सा 6 बार इधर ऐसे घुमाया और 6 बार ऐसे पीछे घुमाया। इसको केवल 3 बार कर लो सुबह दोपहर शाम, आपके मोटापे में बहुत तुरंत फर्क पड़ जाएगा। मतलब खाने के समय नहीं खाएंगे तो भी मोटे हो जाएंगे। खाने की चीजों पर भी ध्यान रखना है, खाने की चीजें ही खाइए, वो जो नहीं खाने वाली चीजें उसको मत खाइए। शायद आपको लग रहा होगा ना कि ये करने से वाकई में ऐसा होगा कि नहीं, तो आप कर लीजिए, कोई ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए कि नहीं नहीं होगा तो आ जाएगा सर के पास। बिल्कुल, अगर नहीं होता है तो आरोग्य पीठ में जो मेरे नंबर पर कॉल करिए और आ जाइए, ये सारी समस्याओं का समाधान तो अपने आप ही होगा। आरोग्य पीठ, नीचे हम नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, आप यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। और ये हम आपको लगातार कह रहे हैं, ये प्रामाणिकता के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, ये सब फॉर्मूले जो है वो आजमाए हुए हैं, लाखों लोगों को इनसे जो है वो बहुत अपने जो बीमारियां हैं उनसे वो पूरी तरीके से मुक्त हो गए और इसी वजह से इन उपयोगी फॉर्मूले को आप तक पहुंचाया जा रहा है। सोचिए कि घर बैठे आप सिर्फ ये कुछ क्रियाएं करके अपने मोटापे को दूर कर सकते हैं। चेहरे से पिगमेंटेशन, इसको हटाने का बेहतरीन तरीका कौन सा? वैसे पिगमेंटेशन आता है टेंशन के कारण से। ये जो हमारी थाई है, जो थाई बोन, इस थाई बोन को सुबह नहाते समय, दोपहर को, सिंपल इंबैलेंस ऑफ द केमिकल्स, यही है और कुछ नहीं है, विटामिन्स का इंबैलेंस है। तो इसको ऐसे 6 बार रविंग कर लीजिए, पहले लेफ्ट करिए, इसके बाद राइट जंगा। ये जो थाई बोन है, इसके अंदर सबसे अधिक बोन मैरो होता है, और जिसमें बोन मैरो सबसे अधिक होता है, विटामिन्स की आवश्यकता वही होती है, और जहां विटामिन है, और विटामिन ही पिगमेंटेशन को ठीक करने वाली है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स भी तो उसके साथ जुड़े हैं ना, तो नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ करने का काम विटामिन करती है। तो विटामिन का ट्रीटमेंट कर लीजिए, आपके चेहरे की चमक ऐसे हो जाएगी। मतलब आप तो सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को फेल कर रहे हैं। मेरे आरोग्य पीठ में आकर ऐसे लोग आए थे, घुटना ठीक कराने के लिए, कमर ठीक कराने के लिए, पिगमेंटेशन भाग गए। वो कहते सर मेरा कलर, हम पहले ही बता देते हैं, पहले अभी फोटो खींच लो, क्योंकि बाद में ये फोटो आपको मिलेगा नहीं, आर्टिफिशियल बनाना पड़ेगा, गोरे हो जाओगे आप, ऐसे बोल देते। तो आपका मोटापा कम हो गया, आप सुंदर दिखने लगे, आपका शुगर लेवल कम हो गया, यानी कि अब आप फिट तो हो गए हैं। लेकिन महिलाओं की एक बहुत आम समस्या है घुटने का दर्द। जब बैठते हैं तो कई बार घुटने में आवाज भी आती है और घुटने में जो लगातार पेन है, आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट सोचिए लाखों रुपए जो है वो हम अस्पताल में खर्च कर देते हैं। और पहले हमारी दादी नानी, कभी उनको कोई घुटने की समस्या ही नहीं होती थी, वो शायद पोछा लगाते थे नीचे बैठ के, लेकिन आजकल तो मॉप है, वो खड़े होकर स्ट्रेटनिंग रसोई सब कुछ खड़े होकर ही है। एनी लैटिन भी खड़े होकर ही जाते हैं, एक्चुअली गाड़ी में भी बैठ जाते हैं, सोफे पे बैठते हैं, जमीन का काम ही खत्म हो गया। तो अब ये जो 1.5-2 लाख रुपए नी रिप्लेसमेंट में खर्च करते हैं, वो भी कोई फॉर्मूला बता दीजिए, वो भी कोई जादुई तरीका बता दीजिए कि वो पैसे भी बच जाएं। दिव्या जी, मैं आपको शेयर करता हूं, मेरे पास सबसे अधिक पेशेंट्स घुटने दर्द के आते हैं, और भगवान की ऐसी कृपा है, more than 70% लोगों के रिप्लेसमेंट रुक गए। हाँ, रुक गए, चाहे उनकी उम्र 80 साल थी, चल नहीं पा रहे थे, मेरे यहाँ आकर जमीन पर बैठ करके, फिर दिखाते हैं जमीन पर हम बैठे हैं, उसके बाद जाते हैं। मतलब जिनको नी रिप्लेसमेंट चाहिए, बिल्कुल आउट ऑफ द नीड है, उनके बोल दिया था। अच्छा, उनको कह दिया था जमीन पर कभी मत बैठना, मेरे यहाँ वो आके बैठ रहे, चौकड़ी लगा के ध्यान कर रहे हैं। सोचिए, और मैं हमेशा घुटने दर्द वालों को एक बात बोलता हूँ, जिसको घुटना दर्द नहीं हुआ वो घुटने दर्द वाले की कुछ समझ नहीं सकता, क्योंकि घुटने दर्द वाले का एक एक कदम उसको पहाड़ जैसा नजर आता है, सारे अरमान खत्म हो जाते हैं उसके, सारी रिश्तेदारियां, सारे तीर्थ स्थल, कहीं भी जाने के लिए उसका मन नहीं करता है, उसकी सारी जिंदगी एकदम उस बिस्तर पर समेट के रह जाती है। और आज कॉमन महिला को
घुटना दर्द हो गया, पुरुषों को भी होता है, पर फीमेल्स का परसेंटेज बहुत बड़ी तादाद में है। आज अगर महामारी शब्द प्रयोग करूं ना तो शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, घुटना अर्थराइटिस और घुटना दर्द। और हम लगातार कहते हैं कि कैल्शियम की कमी से होता है, लेकिन फिर भी कैल्शियम हम नहीं लेते हैं, और शायद कैल्शियम कई बार सप्लीमेंट्री ले भी लेते हैं तो भी जो ये समस्या है ये बनी रहती है। इसके लिए बहुत यूनिक ट्रीटमेंट है आरोग्य पीठ में इस अर्धनारेश्वर चिकित्सा वेलनेस थेरेपी का, और सिंपल तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और वो शेयरिंग मेरी ऐसी है कि ये जो घुटने का ये जो मूल हमारा एरिया है ये वाला, इस एरिया से घुटने के सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, ढांचा और केमिकल दोनों को बैलेंस करने का हम काम करते हैं। इसके लिए जो पैरों की उंगलियां हैं उन पैरों की उंगलियों को हम अंदर ऐसे मोड़ते हैं, मोड़ने के बाद ये तीन बार ऐसी एक्सरसाइज करने के बाद पैरों की उंगलियों की, इसके बाद घुटने की कटोरी को हम ऐसे बहुत आराम से फ्री करते हैं और खुद भी ऐसे बता देते हैं ये करिए घुटने की कटोरी को फ्री करिए, और फिर जंगा के मूल में हाथ को ऐसे रखकर हम यहाँ ऐसे तीन बार चार बार ऐसे करते हैं। एसिड एल्कलाइन बैलेंस करना ये तो हम आरोग्य पीठ में ही करते हैं, पर केवल इतना करने से भी हजारों लाखों लोग घुटने के दर्द से जो पीड़ित थे उनको क्विक रिलीफ और लगभग काफियों को परमानेंट रिलीफ भी मिलता है। कुछ सेकंड्स का उपचार और घुटने घुटने के दर्द पर वार। हाँ बिल्कुल, घुटने के दर्द पर वार, और जो रिप्लेसमेंट है उसका हमेशा के लिए स्टॉप। अच्छा, तो आप तो मैजिशियन है। ये वैदिक विज्ञान है, मेरा तो नहीं, ये मेरे ऋषियों ने जो मुझको दिया है, मैं उसका एक अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसको मैं आगे लेके चलता हूँ। अब मैं क्या करूँ, वैदिक विज्ञान को अपना कर लोग ठीक हो जाते हैं। तो अब हमने पुरुषों की बात कर ली, महिलाओं की बात कर ली, अब जरा बच्चों की बात कर लेते हैं। एग्जाम टाइम चल रहा है, बोर्ड्स भी आएंगे, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और आजकल हर दूसरा इंसान कहता है मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, ये कैसे कम होगी? ये घर और परिवार का और समाज का जो प्रेशर बच्चे पर आता है ना, जो कंपटीशन है, जो पीयर प्रेशर है, वो डिप्रेशन में लेके जाता है। अपेक्षाएं आज बच्चे के ऊपर के लिए भी, पेरेंट्स की बहुत अपेक्षाएं पैदा होने के बाद भी कहते मेरा बेटा ये बनेगा वो बनेगा, अरे भाई उसको बनने तो दो, एक अच्छा इंसान तो बन जाए। तो जो पढ़ाई का बोझ बच्चे के ऊपर है आज, जैसे दोनों तरह के बच्चों की बात करूंगा, स्कूल गोइंग भी, कॉलेज गोइंग भी, और जो हायर स्टडी कर रहे हैं, जो सिविल सर्विस की तैयारी कराने के लिए आए हैं, वो भी उस प्रेशर के कारण से हाथों में पसीना, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, वो नींद नहीं आ रही ऐसा बहुत बार देखे थे, वो कहते हैं बहुत बार मेरा ब्लैकआउट हो जाता है, और तो और शक्ल बदल जाती है, बच्चों का हंसना बंद हो गया, बच्चे अकेले में रहना शुरू हो गए, मतलब ऐसा ऐसा मैंने देखा है बच्चों का। और छोटे छोटे बच्चों के बारे में तो मुझे बड़ा तरस आता है, छोटा बालक भी आज डिप्रेशन में, स्कूल में भी डिप्रेशन में, और पेरेंट्स कहते हैं बेटा पढ़ियो मत, पढ़ाई करियो पढ़ाई करियो। अरे भाई इसके जो थोड़ी सी टिप्स बता रहा हूँ, बच्चे को बोलो बेटा खेल कराओ, क्योंकि तीन चीजें जरूरी है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये कुछ सेकंड्स आपको सिर्फ अपने बच्चों के साथ ट्रीट करना है, और उसके बाद आपका बच्चा देखिए कैसे पैराशूट की तरह वो परफॉर्म करने लगेगा। मेरी पत्नी मेरे बेटे के लिए बार बार ये कहती थी, बेटी बेटी के लिए, अरे पढ़ने बैठ, अटने पढ़ने बैठ, और वो कहता स्विमिंग के लिए जाना है, वो कहता घुड़सवारी के लिए जाना है, तो मैंने चल घुड़सवारी करेंगे, चल स्विमिंग करेंगे, उधर लेके गए, वहां जाने के बाद उसकी पढ़ाई ठीक हो गई। अच्छा, हाँ? मतलब जो कहता है करने दे, जो खेल से संबंधित बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कहता है साहब मुझे कुछ नहीं, मतलब बच्चा कह रहा है मैं मोबाइल पे गेमिंग नहीं, मोबाइल का काम कर। अच्छा। क्योंकि मोबाइल से उसका दिमाग थकता है, शरीर नहीं, और जब शरीर थक जाएगा तब बच्चे की थॉट्स है ना वो शांत हो जाएंगे, मोबाइल पर तो थॉट्स और अधिक एक्टिवेट हो जाती है, उससे कैसे बचाएं? यस, तो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटीज का पार्ट बनाइए। जब तीन चीजें जरूरी है जिसको मैं बता रहा था, एक है व्यायाम, और व्यायाम कैसे भी हो सकता है, खेल का व्यायाम सबसे अच्छा होता है, व्यायाम विश्राम और फिर अध्ययन, यानी भोजन व्यायाम विश्राम ये तीनों अगर ठीक हैं तो अध्ययन अपने आप ठीक हो जाएगा। हम बच्चे की स्पोर्ट्स को, बच्चे के खेल को इंक्रीज करिए, फिजिकली फिट होगा, मेंटली फिट होगा, थक जाएगा तो आप जो बताओगे उसकी समझ में आएगा, अनेक सारे विचार दूर रह जाएंगे। पढ़ाई के लिए खेलना बहुत जरूरी है, हायर एजुकेशन वाले बच्चे को भी एक घंटे जाओ बैडमिंटन खेल कराओ, ऐसा नहीं क्रिकेट खेलने चले जाना एक ही पहली बॉल में आउट और आकर इधर बैठ गए पवेलियन में, ना ऐसा खेल जो 10 मिनट में आपके पसीने निकाल दे, उस खेल को खेलिए। कुश्ती हो सकती है, कबड्डी हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, मतलब घुड़सवारी हो सकती है, बैडमिंटन हो सकती है, अनेक सारे खेल हैं, हॉकी हो सकती है, खेलो फुटबॉल खेलो, ये 5 घंटे के खेल नहीं है,
आधे घंटे से अधिक का खेल ही नहीं है। फुटबॉल खेलो, आधे घंटे में पसीना इधर से उधर हो जाएगा। कुश्ती करिए, अखाड़े में दंड बैठक लगाइए। मैं जिम के पक्ष में नहीं बात करता, क्योंकि जिम खेल नहीं है, वो मसल्स को और बाकी को ठीक नहीं करता। तो कंसंट्रेशन के लिए जरूरी है प्लेइंग, खेलो, पर मोबाइल पर नहीं। ग्राउंड के खेल खेलो, फिजिकल एक्टिविटी वाले खेल खेलो, तो उससे स्टडी आएगी। बच्चे को शांति उसी से मिलेगी जब पसीना बह जाएगा। जब पसीना नहीं बहेगा तब तक बच्चा शांत नहीं होगा। और अंत में आचार्य जी, अब आपने ये तो फॉर्मूला जादू ही बता दिया, और ज्यादातर बच्चों के भी, क्योंकि लॉन्ग स्टडी आवर्स हैं, और ये हम सबके साथ भी हो रहा है, क्योंकि लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, हम बैठे रहते हैं, घंटों हमें मोबाइल में भी बिताने पड़ते हैं, तो जो हमारी गर्दन है उसमें एक बहुत पेन जो है वो परसिस्टेंट बन जाता है, जिसको हम माइग्रेन का नाम भी दे सकते हैं, और वो धीरे धीरे पूरी रीढ़ की हड्डी में जो पेन है वो जाता है, और मुझे लगता है कि फिर वो आपको बहुत सारी बीमारियों में जकड़ लेता होगा आने वाले समय में। उसका इलाज क्या करें, वो भी मुझे कुछ सेकंड्स में बता दीजिए। आपको बताऊं, आपने कॉर्पोरेट जगत की समस्या की चर्चा कर दी, जैसे मैं महिलाओं की समस्या की चर्चा करी ना, आज कॉर्पोरेट जगत में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो कंप्यूटर पे कर रहा है, कुछ भी करते समय कंधे उठ जाते हैं, मोबाइल में लगा पड़ा है, इसके कारण से मोबाइल में काम कर रहे हैं, तो हमारा पोस्चर ये हो गया। तो मैं ये नहीं कहता हूँ मोबाइल पे काम मत करिए, कंप्यूटर पे काम करिए, उस समय आप देख लीजिए कि आपके शरीर पर उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है क्या। जैसे हाथ टाइप पर जाते हैं कंधे उठ जाते हैं, मोबाइल पर जैसे जाते हैं तो गलत पोस्चर आ जाता है, उसको देखिए। लेकिन एक कॉर्पोरेट जगत की आज बड़ी बीमारी है, सर्वाइकल और हेडेक, सिर दर्द, ये दोनों कॉर्पोरेट जगत में, और क्योंकि हजारों नहीं लाखों युवक युवती, जब से आईटी सेक्टर एक्टिवेट हुआ है, डिजिटल क्रांति हुई है, तब से हजारों लाखों युवक युवती पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन गर्दन पट्टा बांधा हुआ है। पैसा तो कमा रहे हैं पर साथ में दो मेडिसिन खा रहे हैं, सिर दर्द से कैसे भी रात को नींद नहीं आ रही, वही एंजाइटी का कारण बनती है, डिप्रेशन का कारण बनती है। तो सर्वाइकल को ठीक करने का यूनिक तरीका वो मैं प्रैक्टिकल करके ही बताऊंगा, जिसको तकलीफ होगी कि कैसे करना। तो नेक के सर्कुलेशन को ठीक कैसे कर किया जाए, सर्वाइकल के अलाइनमेंट को कैसे ठीक करें, और जो यहाँ के जो मसल्स जा रहे हैं गर्दन से उनको कैसे ठीक करें, तो ये क्लॉकवाइज करके जो तरीका है, इस क्लॉकवाइज को करने से पूरे शोल्डर ब्लेड के सर्कुलेशन को ठीक करते हैं, सर्वाइकल के सर्कुलेशन को ठीक करते हैं, और सर्वाइकल का जो ढांचा है उसको भी बैलेंस करते हैं। इसी के साथ माइग्रेन की जो कॉमन समस्या है, इस माइग्रेन के लिए भी ये जो ये एरिया है, यहाँ का जो हम प्रेशर देते हैं सिर के सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए, ये ऐसे यहाँ प्रेशर दिया, यहाँ प्रेशर दिया, यहाँ प्रेशर दिया, सिर के ऊपर भी ये हमने प्रेशर दिया, गर्दन के पीछे प्रेशर दिया, और हल्का सा गर्दन के इन मसल्स को रिलैक्स किया, फिर आगे से यहाँ से भी हाथ को पीछे लेकर गए और हल्का इन कंधों पर भी हमने प्रेशर दे दिया। केवल इतना देने से सर्वाइकल और सिर दर्द दोनों ठीक हो जाते हैं। ये आरोग्य पीठ में हमने हजारों नहीं, मैं लाखों शब्द बोलूं तो शायद छोटा हो जाएगा, मतलब इतने लोगों के ऐसे चुटकियों में हमने दर्दों को मुक्ति दिलाई है, गर्दन, कंधा, सिर। और मुझे कहीं जादू दिखाना होता है ना कॉर्पोरेट में, अगर अपना जादू दिखाना होता है तो मैं पूछता हूँ किसको है गर्दन दर्द, किसको है सिर दर्द, आओ ऑन द स्पॉट वहीं, क्योंकि न्यूरोथेरेपी बिना दवा, बिना मशीन, बिना किसी साइड इफेक्ट के इलाज हो जाता है, एकदम ठीक हो जाता है, ऑन द स्पॉट ठीक हो जाता है। कितनी ही सालों की बीमारी, एकदम। अरे मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जो कह रहे थे अभी जो कह रहे सिर दर्द के कारण हमारे, मैंने करीब 8 या 10 साल हो गए, नींद कैसी होती है मुझे पता नहीं है, और जब मुझे सिर दर्द होता है तो सीधा हॉस्पिटल में ही भर्ती करना पड़ता है ना, और मतलब बहुत बार ऐसा होता है जिसके कारण से समस्याएं आती हैं, तो वो अल्टीमेटली इससे क्विक रिलीफ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। तो साफ तौर पर देखिए कि आज आपको वो सारे जादुई फॉर्मूले बता दिए गए हैं जिससे आप अपने शरीर को फिट और हिट कर सकते हैं, और जाहिर तौर पर हम अपने शरीर का ख्याल शायद सबसे कम रखते हैं, जबकि शरीर वो जगह है जिसमें हम सबसे ज्यादा रहते हैं। तो अपने शरीर में आप जो भी करें, आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्यय नहीं कर रहे हैं। तो अपने शरीर का खूब ख्याल रखिए, सुंदर रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, और दिल्ली 24 देखते रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए, और अगर आप आचार्य जी से और कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं, आचार्य जी से आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक हमें इजाजत दीजिए।